आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डेरी फ्री कर्ड की रेसिपी, मूंगफली की दही, जिसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। एक कप कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं, इन्हें धो के भिगोने के लिए रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। 5 घंटे बाद हमारे पीनट्स कुछ इस तरह से लगेंगे। इन्हें और 2-3 पानी से निकाल के धो लेंगे। अब भीगी हुई मूंगफली के दानों को हम मिक्सी के जार में ढालेंगे और इसमें ढालेंगे 1 कप पानी और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे जब तक हमारा स्मूथ सा क्रीमी सा पेस्ट बनके तैयार ना हो जाए। इसमें 1 कप पानी और ऐड करेंगे और इसे दोबारा से ब्लेंड करेंगे। अब इसमें 1 कप पानी और ऐड करेंगे और 5-6 सेकंड के लिए फिर से इसे ब्लेंड करेंगे। हमें इस रेशो को मेंटेन करना है। हमने 1 कप पीनट्स लिए थे तो इसमें 3 कप पानी ढलेगा। अब इसे हम छान लेंगे। इसके लिए कोई भी मलमल का कपड़ा या मैं नट मिल्क बैग का यूज कर रही हूँ, इसमें छानना बहुत ही आसान होता है। तो इस तरह से हम छान लेंगे और सारा पीनट मिल्क अच्छे से स्क्वीज करके निकाल लेंगे। ये हमारा क्रीमी सा पीनट मिल्क बनके तैयार है। अब इसे हम बॉईल करने के लिए रखेंगे किसी बड़े बर्तन में। शुरू में गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसे थोड़ा सा चलाएंगे और जैसे जैसे दूध गर्म होने लगेगा आंच को तेज कर लेंगे और इसे बॉयल आने तक चलाएंगे। उबाल आने के बाद इसको आधा मिनट और पकाएंगे। उबाल आने के बाद गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा दूध लुकवार्म होता है, इसे हम किसी मिट्टी के बर्तन में या ग्लास के बाउल में, सिरामिक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और इसे सेट करने के लिए मैंने यूज़ कर रही हूँ ग्रीन चिलीज। हम इसके क्राउन को इस तरह निकाल देंगे, चिली टॉप्स को, और इसको इस तरह से हम दूध के अंदर ढालेंगे। इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे इस मिल्क को सेट करने में हेल्प करेंगे। तो हमें कम से कम 5 से 6 चिली क्राउन्स चाहिए और हरी मिर्च को इस तरह से हम स्लिट करके 2-3 हरी मिर्च इसे भी रख देंगे। इसे सेट होने के लिए 8 से 9 घंटे लगते हैं। जब आप अपना अगला पीनट कर्ड तैयार करेंगे तो आप अपना उससे पहले वाले बैच का पीनट कर्ड में से 4 से 5 चम्मच पीनट कर्ड एज अ स्टार्टर यूज कर सकते हैं चिली टॉप्स की जगह। अब इसे 8 से 9 घंटे के लिए ढक के रख देंगे सेट होने के लिए। 8 से 9 घंटे बाद देखिए हमारी पीनट कर्ड कितने अच्छे से सेट हुई है। ये हमारी क्रीमी सी थिक पीनट बटर कर्ड बनके तैयार है। इसमें से अब हम चिली क्राउन्स और चिली
सीड्स निकाल लेंगे। और जिस तरह से हम डेरी कर्ड यूज़ करते हैं, इसे भी एज अ रायता, एज अ कर्ड, या अपनी चाट में, भल्ले पापड़ी की चाट हो या कोई भी चाट में इसको यूज़ कर सकते हैं। लस्सी बना सकते हैं, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, जैसे भी आप चाहें। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये हमारी वीगन प्रोबायोटिक कर्ड बनके तैयार है। इसमें गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और इट इज रिच इन विटामिन बी12 ऑल्सो।